अब मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई मार सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पानी। अरे ये क्या हो रहा है, बारिश नहीं। अरे कहाँ फंस गया इतना ज्यादा पत्थर में। अरे शिनचैन उठ भाई। अरे ये क्या, ये सर्बियन डांसिंग लेडी मर चुकी है क्या? ओ भाई साहब, अच्छा अब मुझे समझ में आया, इसको बारिश से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसीलिए बारिश की वजह से मर चुकी है और इसके अंदर आग लग गई। गाइस ये देखो अब हुई ना बात। वाह यार अच्छा हुआ ये लावा गॉड ने बारिश करवा दी। थैंक यू लावा गॉड, तुमने हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वरना आज तो ये सर्बियन डांसिंग लेडी हम सबको मार डालती अगर यहाँ पर बारिश ना होती। अच्छा हुआ बारिश हो गई और ये मर गई। लेकिन यार शिनचैन जल्दी से उठो शिनचैन। अरे शिनचैन उठ, तेरे ऊपर पत्थर आ गया। उठ शिनचैन जल्दी उठ। तुम्हारी वजह से मैंने अपने भाई को मार डाला, अपने भाई को खो दिया, अब ये मेरा भाई कैसे जिंदा होगा ये बताओ मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, वरना अब तक ये भी मेरे साथ होता। मैंने तुम्हारी बातों में आके अपने भाई को मार डाला था, लेकिन तुम लोग इसको जिंदा करवाओगे मैं कुछ नहीं जानता। अरे लावा गॉड चिंता मत करो, मुझे पता है ये आइस गॉड कैसे जिंदा होगा और मेरा भाई शिनचैन कैसे जिंदा होगा, और इन सबको जिंदा करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है जिसका नाम है ऑल फादर गॉड। उसके अलावा इन दोनों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। अरे तो कीड़े जल्दी से लेके आओ ऑल फादर गॉड को, वरना भी तुम्हें मार डालूंगा और तुम कभी नहीं जिंदा हो पाओगे। हाँ हाँ लेके आता हूँ, लेकिन उससे पहले शिनचैन को पहले अंदर रख दूं वहाँ पे, वरना यहाँ पे तो इतने सारे पत्थर गिर रहे हैं, कोई एक पत्थर इसके ऊपर गिर गया तब तो इसकी चटनी ही बन जाएगी। फाइनली गाइस शिनचैन को तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, अब जाके ऑल फादर गॉड को बुलाना होगा ताकि जल्दी से जल्दी वो आ जाए और हम लोग को सही कर दे, मतलब कि लावा गॉड के भाई आइस गॉड को और तो और शिनचैन को। अब जल्दी से ही बैठ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले अरे लावा गॉड ये जो पत्थर गिरा रहे हो ये तो कम से कम बंद करो। ठीक है पत्थर गिराना बंद कर देता हूँ, लेकिन बारिश नहीं बंद करूंगा वरना वो सर्बियन डांसिंग लेडी फिर से जिंदा हो जाएगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बारिश होने दो लेकिन पत्थर गिराना ये सब बंद करो, वरना अभी मेरे ऊपर ही गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा। तो फाइनली गाइस अब पत्थर गिरना बंद हो चुके हैं और यहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी जब तक बारिश होती रहेगी तब तक ऐसे लेटी रहेगी, जैसे ही बारिश बंद हुई तुरंत ही ये जिंदा हो जाएगी, इसलिए बारिश हम लोग को अब बंद नहीं होने देना चाहे जैसे भी। अब मैं अंदर चलता हूँ और अपने मंत्र से ऑल फादर लावा गॉड को जल्दी से बुला के लाता हूँ। गाइस यहाँ पे हम लोग आग नहीं जला सकते, वरना आग जला के मैं यहीं पे बुला लेता। फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह है, यहीं पे हम लोग बुलाने की कोशिश करते हैं ऑल फादर गॉड को। ओके गाइस ये काफ़ी बेस्ट जगह मुझे लग रही है। ऑल राइट गाइस यहीं पे बुलाते हैं ऑल फादर गॉड को। टीम क्लीम टीम क्लीम आइसक्रीम वाइसक्रीम लावा गॉड के भाई आ जा वापस। ऑल फादर गॉड भाई आ जाओ वापस। ऑल फादर गॉड भाई आ जाओ वापस। हीम क्लीम पीम प्लीम चीम क्लीम आ जाओ वापस। गॉड के गॉड सबके गॉड ऑल फादर गॉड आ जाओ वापस। जिंदा कर दो आइस गॉड को और शिनचैन को। किसने उठाया मुझे, इतने दूर से आया हूँ, क्यों उठाया मुझे? ओ भाई साहब फाइनली ऑल फादर गॉड आ गया गाइस, ये देखो गाइस फाइनली ऑल फादर गॉड आ चुका है हम लोग के सामने। अब इससे जल्दी से शिनचैन की और आइस गॉड की भीख मांगते हैं ताकि जल्दी से उन्हें जिंदा कर दे। लावा गॉड जल्दी से बोलो इससे कि शिनचैन और आइस गॉड को जिंदा कर दे। अरे लावा गॉड भाई कैसे हो, बहुत दिन बाद मिलने का मौका मिला है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है हमारे रिश्तेदार में जो आइस गॉड है ना। हाँ बताओ क्या हो गया उसको? अरे उसकी थोड़ी सी डेथ हो गई है। थोड़ी सी क्या, पूरी डेथ हो गई है। ये देखो मेरे पैर के नीचे पड़ा है यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सा जिंदा करना है, मतलब थोड़ा सा नहीं पूरा जिंदा करना है। बस इतनी सी बात हो जाएगा, चाहे जो भी हो मैं किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन बस एक ही शर्त है मेरी। क्या शर्त है जल्दी बोलो। मुझे उसके बदले किसी दूसरे इंसान की बलि चाहिए, तभी मैं उसे जिंदा कर पाऊंगा, वरना ऐसे तो कोई भी नहीं जिंदा हो पाएगा। अच्छा तो ये काम तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, फ्रैंकलिन मेरा दोस्त है वो कर देगा, है ना फ्रैंकलिन? क्योंकि तुम्हारे भाई को भी जिंदा करना है और इस आइस गॉड को भी जिंदा करना है, मतलब हमें दो इंसान चाहिए जिनकी हमें बलि देनी होगी,
तभी जाके ये दोनों इंसान जिंदा हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा अलावा गॉड, जल्दी से करो वरना ये सब मर जाएंगे हमेशा के लिए, मैं भी फिर इन्हें जिंदा नहीं कर पाऊंगा। अरे यार अब ये कौन सी दिक्कत आ गई यार कि दूसरे इंसान की बलि चाहिए, ऐसे तो कोई फायदा ही नहीं होगा कि मतलब एक इंसान को जिंदा करने के लिए दूसरे इंसान को मार दिया, अब मान लो उसको भी जिंदा करना हो तो तीसरे इंसान को मारो यार, ऐसे तो पूरी दुनिया ही मर जाएगी। लेकिन यार अब क्या कर सकते हैं, मुझे किसी ना किसी को तो लेके आना पड़ेगा ताकि उसकी बलि दे दूं और यहाँ पे आइस गॉड को भी जिंदा कर दूं और अपने शिनचैन को भी जिंदा कर दूं। लेकिन यार किसको लेके आऊं, कौन मानेगा ऐसे? चलो एक बार थोड़ा सा पूछ के आता हूँ कि कोई अपनी बलि देना चाहेगा क्या, कोई अपनी बलि क्यों देना चाहेगा, कोई मरना क्यों चाहेगा गाइस। लेकिन यार फिर भी मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे एक सेकंड, ये सर्बियन डांसिंग लेडी यहाँ पे है, तो अगर हम लोग इसे एक बार जिंदा कर दें उसके बाद फिर इसकी बलि दे दें तो शायद से काम हो जाएगा, है ना? है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ बच्चे तुम तो बहुत होशियार हो, सर्बियन डांसिंग लेडी को भी हम लोग मार सकते हैं, लेकिन उसे पहले जिंदा करना होगा तभी वो मरेगी, वरना ऐसे तो मरे को थोड़ी मार सकते हैं, उसे पहले जिंदा करो। उसे जिंदा करने के लिए हमें बारिश बंद करनी पड़ेगी तभी वो जिंदा होगी, और तो और उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है कि वो कभी भी किसी को भी मार सकती है, तो हो सकता है वो तुम्हें भी मार दे। क्या कहा, मुझे मार देगी? ऐसे थोड़ी मार देगी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिमान हूँ, मुझे ऐसे थोड़ी कोई मार सकता है। ठीक है फिर बारिश बंद कर देता हूँ। गाइज यहाँ पे देखो लावा गॉड ने मौसम एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है, कहीं भी पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन अभी भी ये जल रही है और अभी भी होश में नहीं आई है, हो सकता है थोड़ी देर बाद होश में आ जाए गाइज। उसके बाद क्या होगा मुझे तो ये देखना है यार, बहुत ज्यादा खतरनाक लेडी है क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, मुझे बारिश करके मारने की कोशिश की गई। ऐसे थोड़ी मरूंगी मैं, ऐसे नहीं मरूंगी, तुम जिंदगी भर बारिश थोड़ी कर पाओगे। लेकिन अब मैं जिंदा हो चुकी हूँ, तो ये कौन है पहले मुझे ये बताओ, उसके बाद मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अरे सर्बियन लेडी उससे पंगा मत लो, वो ऑल फादर गॉड है, वो तुम्हें चुटकी बजा के तुम्हें मसल के रख देगा समझी, और इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें जिंदा भी कर दिया है ताकि हम तुम्हें दोबारा मार सके। क्या कहा दोबारा मार सके? ऐसे थोड़ी मार दोगे मुझे, अब देखो मेरी पावर्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं, अब मैं अपने ऊपर एक ऐसी चीज लगा दूंगी जिससे मैं कभी गीली ही नहीं होगी, ना मैं भीगूंगी और ना ही मेरे ऊपर पानी आएगा और ना ही मैं कभी मरूंगी। ये देखो मैंने अपने सर में छाता लगा लिया है, अब तुम लोग कभी भी मुझे गीला नहीं कर सकते हो। अब मैं कभी नहीं मरने वाली। ओह नो गाइस, ये क्या, इसने तो अपने सर पे छाता लगा लिया है, अब तो ये कभी मरेगी ही नहीं, जब भी बारिश होगी तो छाते से हट जाएगा पानी सारा और इसके ऊपर एक भी बूंद पानी नहीं आएगी। हाँ फ्रैंकलिन तुमने बिल्कुल सही कहा, अब मुझे मार के दिखाओ, जिसके भी अंदर दम है आ जाओ, अब मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगी क्योंकि अब मुझे गुस्सा आ चुका है। पिछली बार तो मैंने सिर्फ आइस गॉड को मरवाया था, लेकिन इस बार ये पता नहीं कौन सा रंग बिरंगा जैसे लग रहा है होली खेल के आया हो पागल कहीं का, इतना ज्यादा बेकार लग रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, पहले तो काफी नहीं थे, ये रंग बिरंगा लावा गॉड का भाई है या फिर कौन है, दूर का रिश्तेदार है, काम ना धंधा आ गया है मुझसे लड़ाई करने, चल भाग गए यहाँ से ऑल फादर गॉड आइस कहीं के। गाइस इसे पता नहीं शायद अभी इसने क्या क्या बोल दिया है ऑल फादर गॉड को, अब ऑल फादर गॉड इसका क्या करने वाला मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। अब ऑल फादर गॉड तुम्हें बलि चाहिए थी ना, मैंने इसे जिंदा कर दिया, अब इसे बलि दो चाहे जो मन करे वो करो, और पहले आइस गॉड को जिंदा करो ताकि तुम तीनों की पावर से इसे हम लोग मार सके। अरे फ्रैंकलिन मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगी समझा, अब देख तेरा क्या हाल करने वाली हूँ मैं। ये इतनी छोटी सी है, इतना ज्यादा कैसे बोल रही है, अबे रुक जा, इसके अंदर इतना करंट लगा दूंगा कि ये पागल हो जाएगी, रुक जा अभी बताता हूँ तुझे। अरे गाइस ये देखो इसको कितना तगड़ा करंट लग रहा है, अब इसको मजा आएगी ना, अब मजा आएगी, बहुत ज्यादा बोल रही थी ऑल फादर लावा गॉड के खिलाफ, अब इसको मजा आएगी इतना ज्यादा करंट। अरे भागो भैया वरना मुझे भी करंट लग जाएगा। ओ भाई इसको करंट, ये क्या, अब तो इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अब मैंने करंट को झेलना सीख लिया है, अब मुझे कुछ नहीं होगा करंट वरंट से, अब मुझे दूसरी चीजें मार सकती है बस। अरे ऑल फादर गॉड
किसी तरह से इसका अम्ब्रेला निकलवाओ, तभी ये मरेगी वरना नहीं मर पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसका अम्ब्रेला निकलवाता हूँ, तभी इसको मार पाएंगे हम लोग, वरना सच में नहीं मार पाएंगे। गाइस ये देखो, ऑल फादर गॉड ने इसके अम्ब्रेला में और इसके अंदर आग लगा दी, अब इसका अम्ब्रेला जल जाएगा और इसका अम्ब्रेला निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग इसकी बलि दे पाएंगे। यस गाइस, यस, ऑल फादर गॉड बहुत अच्छे। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा अम्ब्रेला, अरे नहीं नहीं नहीं। ओ गाइस ये देखो, इसका अम्ब्रेला अब जल के निकल चुका है, लेकिन इसकी आग अभी भी जल रही है, लेकिन इसको आग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि इसका अम्ब्रेला निकल चुका है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से लावा गॉड, जल्दी से बारिश करो ताकि ये मरे। ठीक है फ्रैंकलिन, अब इसकी बलि देने का वक्त आ गया है। ऑल फादर गॉड तैयार हो जाओ नंबर वन बलि के लिए, तो तैयार हो ना। अरे हाँ लावा गॉड भाई, मैं तैयार हूँ, चलो दे दो इसकी बलि। भाई साहब देख रहे हो मौसम कितनी तेजी से बदला और इसका क्या हाल है देखते हैं। ओ भाई ये देखो फाइनली इसकी बलि दे दी जा चुकी है और ये मर चुकी है। अभी थोड़ी देर में मेरे ख्याल से आइस गॉड भी जिंदा हो जाएगा। जल्दी से आइस गॉड जिंदा हो जाओ, जल्दी से जल्दी से। तो गाइस फाइनली आइस गॉड भी जिंदा हो चुका है। अरे फ्रैंकलिन के बच्चे, तूने मेरे भाई को मैगी के खिलाफ भड़काया था ना, अब देख तेरा क्या हाल होगा। अरे नहीं नहीं आइस गॉड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी उसके छोटे भाई का सवाल है। अगर हमने उसके छोटे भाई को जिंदा ना किया तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा, और आज तुम जिंदा हो क्योंकि फ्रैंकलिन ने तुम्हें जिंदा करवाया है, वरना वो चाहता तो तुम्हें भी जिंदा ना करवाता। अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर जल्दी से शिनचैन को भी जिंदा करते हैं। और ये अपने भैया कब आ गए? ऑल फादर गॉड, ऑल फादर गॉड जी नमस्ते। अरे मेरे बच्चे जुग जुग जियो, खूब पानी पियो, अब बारी है शिनचैन को जिंदा करने की, जल्दी से उसकी भी बलि दो, मतलब जिसको चैन को जिंदा करने के लिए बलि देनी है उसकी बलि दो। यार आइस गॉड तो जिंदा हो चुका है, जो कि हम लोगों ने इसकी बलि दे दी है इसको जिंदा करके दोबारा से। यार अगर हम लोग दोबारा ये रिपीट कर दें, फिर से इसे जिंदा करके फिर से इसे मार दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार में सिर्फ एक इंसान जिंदा होता है, ऐसे तो तुम पूरी जिंदगी जिंदा करते रह जाओगे दुनिया वालों को, ऐसे नहीं हो सकता है। अरे यार ये ऑल फादर गॉड कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, हमें किसी दूसरे को लाना होगा इसकी बलि देने के लिए, तभी वो जिंदा हो पाएगा अपना भाई शिनचैन। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे किसकी बलि हम लोग दे सकते हैं। लेट्स गो गाइस, किसी इंसान को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, जो किसी को मतलब ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो बहुत बुरा हो, ताकि हम लोग उसकी बलि दें तो उसको दिक्कत भी ना हो। मतलब उसको तो दिक्कत होगी, मतलब ऐसे इंसान को हमें ढूंढना होगा जो बहुत ज़्यादा गंदा हो, बहुत ज़्यादा बुरा हो, बहुत ज़्यादा लोगों को तड़पाता हो, मारता हो, परेशान करता हो, उसको हम लोग अगर एक बार पकड़ लेना तो उसकी बलि देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सीधे साधे इंसान को हम लोग मारेंगे उसकी बलि देंगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी गाइस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ रहे हो ना, फालतू के काम हो जाएंगे ये सब। इसीलिए हमें अच्छे से इंसान को नहीं मारना है, किसी भी बुरे इंसान को मारना है जो दूसरों को परेशान करता हो, जो दूसरों को मारता हो। तो गाइस अभी मैं इधर ही से जा रहा था और यहाँ पे देखो गाइस ये फायरिंग हो रही है, पता नहीं किसको ये मार रहा है। ओ भाई साहब इसने तो इसका खून कर दिया है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब ये देखो, इसको मार मार के इसकी चटनी बना दिया इसने। ओ गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ गए हैं और इसको मारने पे लगे हैं। ओ भाई यहाँ पे ये लोग इसको मार देंगे मुझे लग रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे इसको यहाँ से लेके चलना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको बचा सकें। ओके गाइस यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग इसको लेके जा पाते हैं। यहाँ पे ये देखो उसको सारे लोग मारने पे आ गए हैं, और गाइस अगर इन लोगों ने मार दिया तो हम लोग उसकी बदली नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमको अगर उसकी बलि देना है तो गाइस पहले तो हम लोग को यहाँ से बचा के उसे लेके निकलना पड़ेगा, तभी हम लोग उसकी बलि दे पाएंगे। ये देखो सब लोग सिर्फ और सिर्फ उसी को मार रहे हैं, और अगर वो एक बार मर गया तो भाई हम लोग उसकी बलि नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें उसे बचाना होगा और यहाँ से लेके चलना होगा। ओके गाइस यहाँ पे ये बाइक लेके आ गया उसको मारने, इसकी बाइक ले लेते हैं हम लोग और जल्दी से यहाँ से चलते। ओ भाई ये तो मुझे ही मारने लगा। अरे भाई सुन, तुझे सब लोग मार रहे हैं, तूने इसको मारा, जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ वरना तू आज मर जाएगा। भाई जल्दी से बैठ, जल्दी से बैठ, जल्दी से बैठ। तो गाइस अभी मैंने इसको कन्विंस कर लिया अपने साथ ले चलने के लिए, वरना भाई इसको सब लोग मार ही डालते और हम लोग इसकी बलि ना दे पाते, इसलिए मैं इसको लेके भाग गया। अब इसकी बलि देने मजा आएगी ना। अरे क्या कह रहे हो, बलि दे पाएंगे बलि दे पाएंगे, मुझे यहाँ से बचा के लेके चलो वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। हाँ हाँ भाई तुम्हें बचाने ही लेके आए हैं, लेकिन ऐसी जगह बचाएंगे जहाँ से तुम कभी भी नहीं बच पाओगे। अरे ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, इसकी किसकी कौन है ये जल रहा है, मुझे जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आज ये जो मर्डर किया है तुमने, बस उसी के बदले तुम्हारा मर्डर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, समझ गए ना टकलू भाई। अरे अरे नहीं नहीं, मेरा मर्डर क्यों होगा, मेरा मर्डर
नहीं होना चाहिए, मेरा मर्डर नहीं होगा, समझ गए ना? नहीं भाई, तुमने दूसरे को मारा है आज गोलियों से, इसीलिए आज तुम्हारा भी मर्डर होगा। वैसे तुमने उसे मारा क्यों था? अरे वो मेरा पैसा नहीं दे रहा था। अच्छा, कितना पैसा था तुम्हारा? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। अच्छा, तुमने 5 रुपए के लिए उसका मर्डर कर दिया? पागल पागल है क्या? बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन बेटे, तुमने अच्छे इंसान को उठाया है, ऐसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। चलो इसकी भी बलि देते हैं। अरे क्या कहा, बलि देते हैं? नहीं नहीं, मेरी बलि मत देना, मेरी बलि मत देना। अरे भाई, तुम्हारी ही बलि होगी आज, आज क्योंकि तुमने मर्डर किया है, इसीलिए आज तुमको मरना पड़ेगा। गाइस, ये देखो इसको कैसे तड़पा तड़पा के ऑल फादर गॉड ने जलाया है, और तो और ये भी मर रहा है। गाइस, अब इसकी बलि दे दी जाएगी, उसके बाद मेरा भाई शिनचैन जिंदा हो जाएगा। ओके, और ये तो फिर से खड़ा हो गया। नहीं 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 नहीं, ये मर रहा है, मर रहा है। बचा लो बचा लो, अरे मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज तुमने बहुत गलत काम किया है, तुमने भी उसे गोलियों से भून डाला है और वो मर गया है, इसीलिए आज तुम्हारी बलि दी जाएगी। और गाइस, ये मर नहीं रहा है, तो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ मरने में। ये निकाला बॉम्ब, यहाँ पे रखा, और अभी इसको हेल्प कर देता हूँ मरने के लिए। ये देखो, ये मरा, और इसके ऊपर और बॉम्ब, ये देखो, अब तो ये आराम से मर जाएगा। तो तुझे एकदम प्यार वाली मौत देने वाले हम लोग, ये ले। ओ भाई साहब, क्या ही उठा। ओके, एक और, चल चल चल, चल मर, चल मर। ओ भाई, क्या ही मरा है, मर गया। चलो गाइस, फाइनली ये मर चुका है। हाँ, अभी ये मर चुका है, मतलब इसकी बलि दे दी गई। अब चल के जल्दी शिनचैन को देखते हैं कि वो जिंदा हुआ या फिर नहीं, और उसके बाद भाई हम लोग घर चलते हैं। आज तो भाई बहुत ज़्यादा खून खच्चड़ हो गया एकदम से। बस भाई ये काम कर जाए, बस शिनचैन जिंदा हो जाए, प्लीज़ 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 शिनचैन जिंदा हो जाए। शिनचैन जिंदा हो गया शिनचैन। अरे भाई शिनचैन, तुझे जिंदा करने के लिए पता है क्या क्या किया हम लोगों ने? दूसरों को मारा भाई, सोच नहीं सकता तू। अरे वह फ्रेंकी भैया, दूसरों को मार के मैं जिंदा हो गया, मजा आया क्या? हाँ भाई, मजा तो आ गया, लेकिन भाई साहब आज बहुत ज्यादा मुश्किल दिन था, क्योंकि आज भाई दूसरों को मारा हम लोगों ने, और हम लोगों ने क्या किया पता है? सर्बियन डांसिंग लेडी को दोबारा से जिंदा करके दोबारा से मारा उसे। अरे फ्रैंकल भैया, ऐसे कैसे? तब तो फिर से वो दूसरों को मारने लगी होगी। अरे नहीं भाई शिनचैन, हम लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रिक्स लगाई, अब वो तुम बाद में हमें बताऊंगा इत्मीनान से। फिलहाल यहाँ पे आ जाओ, देखो कौन आया है जिसने तुम्हें जिंदा किया है। जल्दी से आओ भाई, तुम्हें दौड़ के आओ, दौड़ के। हाँ अभी आया ना दौड़ के। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें जिंदा आखिर किसने किया है। ये देखो इधर, ऑल फादर लावा गॉड ने, मतलब ये सबके फादर्स के भी फादर्स हैं, ऑल फादर गॉड। इनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, इनसे जो भी टक्कर लेता है उसे ये मार के गिरा देते हैं, और इसी की वजह से आज ये डांसिंग सर्बियन लेडी दोबारा से जिंदा होकर मरी, और इसी की वजह से आज हम लोगों ने आइस गॉड को भी दोबारा से लाया और तुम्हें भी दोबारा से जिंदा कर पाए, वरना आज तुम दोनों मरे हुए होते, समझे? अरे अरे, थैंक यू ऑल फादर गॉड जी, वरना आज तो हम लोग जिंदा ही ना हो पाते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब खुश रहो, बस इसी में मेरी खुशी है। चलो अब मैं चलता हूँ। जो भी सब्सक्राइब नहीं करता है, मैं रात में उसके सपने में आऊंगा और उसको बहुत मारूंगा। जल्दी सब्सक्राइब करो।